नमस्कार जी, दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित महाजन। दैनिक सवेरा टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज हम आपको दर्शन करवाएंगे राजस्थान से श्री श्याम खाटू श्याम जी के, बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन आज आपको करवाएंगे। और इस समय हम मौजूद हैं सीकर जिले के श्री खाटू श्याम धाम में। और आप पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं कि भगत जो हैं लगातार इसी तरीके से रिंगस से पैदल यात्रा करते हुए यहां तक पहुंचते हैं। भक्तों की श्रद्धा है, नंगे पैर यहां पर भक्त जो हैं, सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस समय लगभग ये जो रोड है रिंगस से 15-16 किलोमीटर की जो दूरी है वहां से जो भक्त हैं पैदल यात्रा करते हुए यहां पर पहुंचते हैं। और यहां से लगभग जयपुर जो है 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और राजस्थान में इस दरबार की महत्वता इस समय अगर हम बात करते हैं, बाबा खाटू श्याम जी को कलयुग के भगवान कृष्ण भगवान जी के रूप में जो जाना जाता है, महिमा बहुत ही अपरंपार है। भक्त यहां पर लगातार पहुंचते हैं और इसी तरीके से जब भी नतमस्तक होते हुए यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। बात करेंगे उन श्रद्धालुओं से भी, क्या श्रद्धा है, कैसे यहाँ पर पहुँचते हैं, कितना यहाँ से पैदल जो है ये जो रास्ता है यहाँ से जो तय करके यहाँ तक पहुँचते हैं। आस्था है क्योंकि भगवान श्री खाटू श्याम की जो महिमा है बहुत ही अपरंपार है। और ख़ासकर अभी जो है रश दिन ब दिन यहाँ पर यात्रा में बढ़ता ही जा रहा है। श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कहाँ से ये आए हैं और कितना ये रोड यहाँ से कवर करते हुए। क्या नाम है जी आपका? विष्णु। कहाँ के रहने वाले? वृंदावन। वृंदावन से आए हो और कितनी अभी जो पैदल यात्रा आप करके यहाँ पर पहुँचे हो? कम से कम आप लगा लो 15 किलोमीटर तो चला है, 3 किलोमीटर बचा अभी। 15 किलोमीटर यात्रा करके आए हो, पहले भी आते हो कि यहाँ अभी पहली बार आए? पहली बार आए हो और श्रद्धा मन में पूरी है और थकावट नहीं हुई यहाँ तक आते हुए? नहीं, बिल्कुल थकावट नहीं। क्या नाम है जी आपका? राकेश। राकेश जी कहाँ के रहने वाले? वृंदावन। वृंदावन से ही हो, पहली बार आए हो आप भी? पहली बार। और कैसा यहाँ पर अभी बाबा के दरबार में पहुंचे हो, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। और कितना लगभग यहाँ से जो सफर तय करते हुए यहाँ तक पहुंचे हो? 15 किलोमीटर आ गए। 15 किलोमीटर आ गए। तो इसी तरीके से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँचते हैं, आप देख सकते हो कि दूर दूर तक इसी तरीके से जो पैदल चलते हुए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। नमस्कार जी, दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ रोहित महाजन। दैनिक सवेरा टीवी की आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दर्शन करवाएंगे भगवान खाटू श्याम जी के मंदिर के। और लगातार दैनिक सवेरा टीवी की रिपोर्ट में हम आपको अक्सर दर्शन करवाते हैं अलग अलग धार्मिक स्थान, चाहे वो पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में। इसी तरीके से आज हम मौजूद हैं राजस्थान के सीकर के खाटू श्याम मंदिर परिसर से। और सबसे पहले कैमरामैन को बोलूँगा, एक बार आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से जो खाटू श्याम जी की मान्यता है, इस समय भक्तों की जो लंबी कतारें हैं यहाँ पर लगातार देखने को मिलेंगी। भक्तों की श्रद्धा है, यहाँ पर पहुँचते हैं, बहुत सारा भारी रश है। भगवान श्री खाटू श्याम जी की महिमा बहुत ही अपरंपार है। महाभारत काल से ही भगवान श्री खाटू श्याम जी की, जिनको भगवान श्री कृष्ण जी की ओर से वरदान दिया गया था कि कलयुग में जब भी श्याम के नाम से जो है जाना जाएगा, तो इस दरबार की जो महिमा है कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के नाम से इस मंदिर को जो जाना जाता है, और बहुत ही महिमा अपरंपार है। भक्तजन बड़ी बड़ी दूर से यहाँ पर श्रद्धा लेके पहुँचते हैं। और इसी तरीके से ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं कैसे जब ये मंदिर परिसर का जो प्रवेश द्वार है, यानी कि जब हम खाटू श्याम पहुँचते हैं तो यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं सबसे पहले इसी तरीके से नतमस्तक होते हैं भगवान श्री खाटू श्याम जी के दरबार में। और लगातार श्रद्धालुओं का जो रश है वो दिन प्रतिदिन जो देखने को मिल रहा है, भक्तों की जो आस्था है वो देखने को मिल रही है। और इस दरबार की अगर हम बात करते हैं तो खाटू श्याम मंदिर की जो कहानी है महाभारत के पुराने हिंदू महाकाव्य से आती है। पांडवों में से भीम के परपोते वीर बर्बरिक को भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपना सिर बलिदान कर दिया था। इस महान बलिदान से प्रभावित होकर भगवान
ने वीर बर्बरीक को आशीर्वाद दिया था, ये वरदान दिया था कि कलयुग में शाम के रूप में उनकी जो है वो पूजा की जाएगी। बर्बरीक के इस महान बलिदान ने उन्हें शीश के दानी का नाम भी दिया। जो भगत जन है वो भगवान श्री श्याम को जो है यहाँ पर जब पहुँचते हैं शीश निभाते हैं, श्री श्री खाटू श्याम जी के नाम से जो है ये मंदिर प्रसिद्ध है। और भगवान कृष्ण के भक्तों का ये भी मानना है कि जो भी इस दरबार पर आकर मन्नत मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। तो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे कहाँ से आए हैं। ये देखिए ये मैं पहुँचे हो, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा है? और कितना लगभग यहाँ से जो सफ़र तय करते हुए यहाँ तक पहुँचे हो? 15 किलोमीटर आ गए। 15 किलोमीटर आ गए। तो इसी तरीके से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँचते हैं, आप देख सकते हो कि दूर दूर तक इसी तरीके से जो पैदल चलते हुए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। सुबह का भी समय है और लगभग पूरी रात इसी तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर नतमस्तक होने के लिए पहुँचते हैं। इसके बाद की तस्वीरें भी हम आपके साथ जो बाबा जी के दर्शन हैं दरबार के मंदिर के वो भी आपके आपको दिखाएंगे। जो है वो पूजा की जाएगी। बर्बरीक के इस महान बलिदान ने उन्हें शीश के दानी का नाम भी दिया। जो भगत जन है वो भगवान श्री श्याम को जो है यहाँ पर जब पहुँचते हैं शीश निभाते हैं, श्री श्री खाटू श्याम जी के नाम से जो है ये मंदिर प्रसिद्ध है। और भगवान कृष्ण के भक्तों का ये भी मानना है कि जो भी इस दरबार पर आकर मन्नत मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। तो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे कहाँ से आए हैं। ये देखिए ये श्रद्धा है, ये आस्था है, कुछ इसी तरीके से भगवान के दरबार पर आकर नतमस्तक होते हैं श्रद्धालु। छोटे बच्चे से लेकर पूरे परिवार के साथ पहुँचते हैं। तो बात करते हैं कुछ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। जी सर, कहाँ से पहुँचे हो, क्या नाम है आपका? शोपुर एमपी से आए हुए हैं। एमपी से आए जी। भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो देखने को मिली है, छोटे बच्चे साथ में आए हैं, क्या कहना चाहोगे इस दरबार पर? सर दरबार तो अजब निराला है, ये इसकी तो महिमा अपरंपार है। सबकी जो है ना ख्वाहिश पूरी करते हैं, जो मांगते हैं वो मिलता है। खाटू नरेश का दरबार है, इसमें कोई कमी नहीं है। श्रद्धा पूरी रखनी चाहिए भक्तों को और कोई कमी नहीं है इस दरबार में। तो इसी तरीके से आप देखिए बच्चे परिवार के साथ जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, कुछ और भी श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं, बात करते हैं इस दरबार की जो महिमा जानते हैं। जी सर, क्या नाम है? राजेंद्र गोयल। राजेंद्र जी कहाँ के रहने वाले? श्योपुर। जोधपुर से हो? श्योपुर। श्योपुर एमपी। एमपी से हो? और क्या कहना चाहोगे इस दरबार पर आप पहुँचे हो? अरे बहुत बहुत आनंद आ गया, और क्या है, भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो देखिए कुछ इसी तरीके से ये देखिए कि बहुत ही सुंदर रूप में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं दरबार में बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? नितेश। नितेश जी कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हो? हाँ। क्या कहना चाहोगे इस दरबार पर पहुँचे हो? बहुत बढ़िया लगता है, मैं तो हर 1.5-2 महीने पे आता हूँ खाटू श्याम जी के दरबार, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया। और इंगे से पैदल चल के आता हूँ मैं, ये नहीं है कि बिल्कुल गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं, पैदल चल के आता हूँ, बहुत बढ़िया लगता है बाबा के दरबार से। लगभग ये जो दूरी है कितनी है? 17 किलोमीटर की दूरी से। हाँ जी। और आप भी इसी तरीके से पैदल ही चल के? पैदल, हाँ। पैदल 2:15 बजे चले थे, अभी पहुँचे 2:15 बजे सुबह के, 2:15 बजे। हाँ। तो ये देखिए ये भक्तों की श्रद्धा है वो देखने को मिलती है। इसी तरीके से जब इस दरबार पर पहुँचते हैं तो एक बाबा की झलक पाने के लिए हर कोई जो है वो तरसता है। इस दरबार पर जब पहुँचता है, अपनी मन्नत पूरी होती है, तो तब भी इस दरबार पर पहुँचते हैं और दर्शन करने के लिए लगातार अब जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इसी तरीके से और भी जो राजस्थान के प्रमुख मंदिर हैं उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ रोहित महाजन, खाटू श्याम दरबार, राजस्थान।